हेलो एस्पिरेंट्स, आप सभी का स्वागत है एनालिस्ट आईएएस के यूट्यूब चैनल में। तो साइक्लोन तेज जो है वो अरेबियन सी में फॉर्म हुआ है लो प्रेशर की वजह से, एंड साथ ही साथ जो बे ऑफ बंगाल है यहाँ पे भी एक कोन ऑफ अनसर्टेनिटी बनता चला जा रहा है। इसके बारे में जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है हम देखेंगे, ये जो डेटा है, ये जो भी इनकी करंट सिचुएशन है, ये अभी लगभग 5:15 पे है अकॉर्डिंग टू द इंडियन टाइम। सो दिस इज योर साइक्लोन तेज। जो साइक्लोन तेज है ये फिलहाल यमन के कोस्ट से टकरा रहा है। सो यू कैन सी कि इसकी स्पीड जो थी वो थोड़ा दूर थी, लेकिन जैसे ही फॉल होता है तो स्पीड इट डिक्रीजेस डाउन, इट इज रिलेटेड टू एवरी साइक्लोन, क्योंकि हर्डल्स आने लगते हैं। यहाँ पे एक डीप डिप्रेशन बन रहा है इस रीजन में, और अगर ये साइक्लोन बना तो इसका नाम होगा साइक्लोन हमूम। हमूम जो है वो नेम दिया हुआ है ईरान की तरफ से। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक, वाई न्यूज, करंट स्टेटस, साइक्लोन्स क्या है, साइक्लोन्स कैसे क्लासिफाई किए जाते हैं, स्ट्रेटजीज क्या है इसके मैनेजमेंट के लिए, मिटिगेशन के लिए, देन वी विल सॉल्विंग ऑल टुडेज प्रीलिम्स एंड द मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन, सो बेस्ड अराउंड दिस टॉपिक। सो लेट्स स्टार्ट। सो दीज आर द कंडीशंस ऑफ द टू टाइप्स ऑफ साइक्लोन्स विच आर बीइंग जनरेटेड। नाउ वाई न्यूज, रिसेंटली जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है इसने नोटिफाई किया है कि एक डिप्रेशन बन रहा है साउथ ईस्ट अरेबियन सी में, जो कि पोरबंदर के साउथ में है, और आज ही द हिंदू अगर आपने पढ़ा होगा तो उसमें केरला के कोस्ट पे बारिश होने की पूरी संभावनाएं दिखाई गई हैं। तो ये जो साइक्लोन है जिसका नाम तेज है, ये लाइकली इंटेंसिफाई हो सकता है सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म में, जिसके लिए आईएमडी ने येलो अलर्ट जो है ये रिलीज कर दिया है। येलो अलर्ट से मैं आपको बता दूं कि यूपीएससी ऑलरेडी डिफरेंट अलर्ट्स के टाइप में मेंस में क्वेश्चन एक बार पूछ चुका है। सो यू शुड नो व्हाट आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ अलर्ट्स। करंट स्टेटस की बात करेंगे तो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के हिसाब से जो साइक्लोन तेज है अरेबियन सी में है, और ये एक साइक्लोन स्टॉर्म था सैटरडे को, लेकिन ये सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म बन गया लगभग संडे इवनिंग तक। तो जो साइक्लोन तेज है ये सीवियर साइक्लोन में जो बना है, और ये ओमान जो एडजॉइन यमन के पास वाले इलाके हैं जो हमने देखा था, ये उस तरफ मूव कर रहा है। अब आईएमडी के हिसाब से बहुत रफ सी टू हाई सी कंडीशन जो है वो प्रिवेल कर रही है साउथ वेस्ट अरेबियन सी में, और लाइकली ये जो फिनोमेना है ये और ज्यादा बढ़ जाएगा 21 अक्टूबर से 23 अक्टूबर के बीच में, जो बीत चुका है। नाउ वेस्टर्न अरेबियन सी में जहां रफली सी कंडीशंस हैं ये 22 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक प्रिवेल करेंगी, सो दिस इज द केस। जो साइक्लोनिक स्टॉर्म है इसका गुजरात पर इंपैक्ट नहीं आएगा, अगर कोई इंपैक्ट आएगा तो केरला तरफ थोड़े कोस्ट में इसका इंपैक्ट आएगा। तो साइक्लोन्स क्या है, साइक्लोन्स बेसिकली इनवर्ड एयर सर्कुलेशन होता है, जहां पे जो एयर है वो अंदर की तरफ सर्कुलेट होती है। काफी ज्यादा पॉइंट्स होते हैं जैसे कोरियोलिस फोर्स मैटर करती है, प्रेशर मैटर करता है, ह्यूमिडिटी मैटर करती है, टेम्परेचर मैटर करता है इसके फॉर्मेशन में, सो देयर आर मेनी थिंग्स। तो ये लो प्रेशर सिस्टम्स हैं। भारत में जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं जो नॉर्थ इंडियन ओशन रीजन में या बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी में बनते हैं, ये या तो प्री मानसून बनते हैं अप्रैल जून के टाइम पे, या मानसून के बाद बनते हैं जैसे इस टाइम पे बन रहा है अक्टूबर से दिसंबर के पीरियड में। सो साइक्लोन तेज जो है ये पोस्ट मानसून साइक्लोन है और ये अरेबियन सी में डेवलप हो रहा है। दो तरीके के साइक्लोन्स होते हैं, एक ट्रॉपिकल साइक्लोन होता है और एक होता है एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन। जो ट्रॉपिकल साइक्लोन होता है ये ऐसे वेदर सिस्टम्स होते हैं जहां पे अगर गेल फोर्स जो कि मिनिमम 63 किलोमीटर पर आ रहा है, अगर विंड जिससे ज्यादा तेज चली जाती है तो वो उस रीजन में साइक्लोन कर सकता है। और ये जो है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच में जो अगर ये जहां पे भी जनरेट होंगे तो ये कहलाए जाएंगे ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। एंड एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल जो कि मिड लेटीट्यूड रीजन में है, जो लगभग 35 डिग्री से 65 लेटीट्यूड्स में पाए जाएंगे एंड दोनों हेमिस्फीयर में, नॉर्थ में एंड साउथ में एज वेल, सो दिस इज द केस। नाउ साइक्लोन्स फॉर्म कैसे होते हैं, वाटर जो है वो इवेपोरेट करता है, ऊपर आता है और जो कोल्ड एयर मास है वो उसके साथ टकराता है। नाउ इससे क्लाउड्स फॉर्म होते हैं, क्योंकि एक कॉलम है लो प्रेशर का वो सेंटर पे डेवलप होता जाएगा और विंड्स जो है ये इसके चारों ओर फॉर्म होती चली जाती है ड्यू टू द कोरियोलिस फोर्स। नाउ जैसे जैसे प्रेशर सेंट्रल कॉलम में, या इसको आई भी कहा जाता है, ये जैसे जैसे वीक होता चला जाता है, लो होता चला जाता है, ये क्लियर स्काई से देख सकते हैं, इसका जो सेंटर है इट इज एसोसिएटेड विद द क्लियर स्काईज। सो स्पीड जो है इसके अराउंड जो है वो और ज्यादा इंक्रीज होती जाएगी, ये जो एयर ऊपर राइज कर रही है हीट रिलीज करेगा, हीट इंक्रीज हो जाएगी, ह्यूमिडिटी इंक्रीज हो जाएगी और बादल भी इससे इंक्रीज हो जाते रहते हैं, और इस हिसाब से बनता है। कुछ फेवरेबल कंडीशंस होते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन के लिए, जैसे सी सरफेस टेम्परेचर जो है वो 26 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए, कोरियोलिस फोर्स प्रेजेंट होनी चाहिए, एक साइक्लोनिक वोर्टेक्स बन पाए, कुछ वेरिएशंस हो सकते हैं वर्टिकल विंड स्पीड में, एक प्री एग्जिस्टिंग वीक लो प्रेशर एरिया बहुत ज्यादा जरूरी है, अपर डाइवर्जेंस चाहिए सी लेवल सिस्टम के ऊपर, सो दीज आर द थिंग्स विच आर नेसेसरी। तो साइक्लोन को क्लासिफाई कैसे किया जाता है, साइक्लोन बेसिकली इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है, डिप्रेशन वो तब है जब विंड स्पीड 31 टू 49 किलोमीटर पर आर है। नाउ डीप डिप्रेशन जब 50 टू 60 किलोमीटर पर आर है, साइक्लोनिक स्टॉर्म जब 62 टू 88 किलोमीटर पर आर है। फिलहाल जो तेज का जो स्पीड है जो यमन से टकराया है वो अराउंड 215 किलोमीटर पर आर है। सो दिस इज इट। नाउ
सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म 89 टू 117 किलोमीटर पर आर, वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म 118 टू 166 किलोमीटर पर आर, एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोनिक जो सिस्टम है या स्टॉर्म है वो 166 टू 221 किलोमीटर पर आर, और जो सुपर साइक्लोन होता है वो बन जाता है 222 किलोमीटर पर आर पे। तो फिलहाल जो कंडीशन है वो एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन सिस्टम हो चुका है ये यमन के पास। स्ट्रैटेजीज अगर इफेक्टिव मैनेजमेंट की हम बात करेंगे तो सबसे पहला लॉन्ग टर्म मिटिगेशन मेजर्स लिए जा सकते हैं, कॉस्ट इफेक्टिव हो, लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस हो ऐसी बिल्डिंग्स के लिए, जैसे साइक्लोन रेजिस्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर या बंकर्स बनाए जा सकते हैं, रिवर कनेक्टिविटी एनहेंस की जा सकती है कि वाटर लॉजिंग ना हो, अगर वहां वाटर आता भी है तो वो अंदर बाकी स्टेट्स में चला जाए, एक डिजास्टर रेजिलिएंट पावर सिस्टम रख सकते हैं, अवेयरनेस कैंपेन्स लगा सकते हैं। तो ये एक चीज है, अर्ली वार्निंग सिस्टम्स हम वहां पे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं ताकि टाइमली उनको एक मिल जाए समय उनको प्रिपेयर करने का, इवैक्यूएशन करने का, इवैक्यूएशन प्लान्स हो बकायदा, सो एक कवरेज हो जहां ऑल इफेक्टेड एरियाज होने वाले हैं। मोर ओवर सेफ शेल्टर्स, सेफ इवैक्यूएशन शेल्टर्स बनाए जा सकें साइक्लोन प्रोन डिस्ट्रिक्ट्स में जहां पे साइक्लोन ज्यादा आता है, जैसे वेस्ट बंगाल रीजन में ज्यादा आता है, उड़ीसा में ज्यादा आता है, केरला तरफ ये आ रहा है, गुजरात में आता है, तो इन जगहों पर तो एक सेफ एटलीस्ट लोगों को एक सेफ शेल्टर मिल जाए, रिफ्यूज मिल जाए जिस समय पर साइक्लोन चल रहा होता है। डिजास्टर प्रिपेयरनेस को एनहेंस किया जा सकता है, स्ट्रेंथन किया जा सकता है, और इफेक्टिव डिलीवरी हो उन चीजों की जिनको जरूरत है वो चीजें पहुंचाई जा सकें, ये एक सिस्टम हो सकता है। मैनग्रूव जो है इनको रीजनरेट करके इनको कोस्टल रीजन में वापस से बनाया जा सकता है। रीजन इसकी नेचुरल बैरियर की तरह काम करते हैं, जब भी स्टॉर्म बहुत तेज आता है या टकराता है कोस्ट से तो कोस्टल इरोजन ये नहीं होने देंगे साइक्लोन के टाइम पे। हम कंक्रीट जो सॉलिड मास होते हैं उनका यूज कर सकते हैं, सो दीज आर द थिंग्स विच कैन बी डन। कोऑर्डिनेशन सेंटर और स्टेट के बीच में कोऑर्डिनेशन प्रॉपर होना चाहिए, एक इफेक्टिव डिजाइन हो, इंप्लीमेंटेशन हो डिजास्टर मैनेजमेंट का, डिजास्टर मिटिगेशन मेजर्स का, सो प्री प्लानिंग हो, हाउसेज जो है वो ऐसे साइक्लोन प्रोन एरियाज में नहीं बनाए जाए या इस हिसाब से, सो दीज आर द थिंग्स विच कैन बी डन। नाउ वी हैव टुडेज प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन। क्वेश्चन सेज Which of the following is not an ideal condition for the formation of tropical cyclones? Large sea surface with temperatures lower than 27 degree, presence of Coriolis force, small variations in vertical wind speed, a pre-existing weak low pressure area. So you can think about it, you can type the answer in the comment section that later if it's kept or not. Then we have our main practice question. So this question says, what are the reasons of formation of cyclones? So what is the difference between cyclone and anticyclone? So this was all about today's video and session. I hope you understood it well. Thank you. Have a nice day and stay tuned to the list I use for your better preparation.